मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार डिजी ज्ञान क्लासेस में। मैं हूं आपका होस्ट और बहुत ही अच्छा दोस्त शुभम कुमार, स्वागत वापस से आप सभी लोगों का करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं रोज सुबह 6 बजे से हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है, जिसमें हम लोग तरह तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि बने होते हैं आपके आज से लेकर कल तक के सारे करंट अफेयर से। तो आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए और अपने दोस्तों को भी हमारे क्लास का निमंत्रण भेज दीजिए, क्योंकि आज की करंट अफेयर सेशन की क्लास बहुत ही ज़्यादा होने वाली है खास। तो चलिए फिर, आप लोग शेयर कर दिए हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा और बढ़ते हैं आगे आज के पहले सवाल की ओर। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या कहता है? आज का पहला सवाल है, हाल ही में पहले व्हाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सवाल को सोच समझ कर जवाब दीजिएगा और अपने दोस्तों को अगर आप इनविटेशन इस क्लास का नहीं भेजे हैं तो जल्दी से भेज दीजिए, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर इसका सही जवाब हो गया तो उसके बारे में थोड़ा स्टैटिक जीके को जान ले। जम्मू कश्मीर का गठन कब किया गया था? तो 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को बनाया गया था। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश में गवर्नर नहीं होता, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर जी लद्दाख के हैं और मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अब कुछ पासेज बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं जम्मू कश्मीर से, जिसमें कि आपका एक ट्रिक है जो खा बे, आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, जो फॉर जोजिला, खा फॉर खारदुंगला और बे फॉर बानी हाल। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे अगले सवाल की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस शहर में विश्व पुस्तक मेला के वर्चुअल संस्करण का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए बी सी डी सब आपके सामने हैं, ध्यान से सोच समझ कर जवाब लगाइएगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। जी हाँ, बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, नई दिल्ली इसका बिल्कुल सही जवाब है और अनिल बैजल जी वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे अगले सवाल की ओर। आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया गया है? ऑप्शन है 6 मार्च, 8 मार्च, 7 मार्च, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमको लगता है इसका सब लोग सही जवाब करेंगे, क्योंकि ये बहुत आसान सा सवाल है। तो दोस्तों, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं आपके मार्च से, जिसमें कि पहला है 1 मार्च, 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। उसके बाद 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। फिर उसके बाद 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जो भी अभी हम लोग पढ़े, और 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है। और तो और 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाते हैं और 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मार्च के डेट्स थे जो आपके आने वाली परीक्षाओं में देखे जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का चौथा प्रश्न है, किस राज्य ने देश की पहला इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास नीति शुरू की है? देश की पहली इंजीनियरिंग और अनुसंधान और विकास नीति शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है कर्नाटक, असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, या फिर आंध्र प्रदेश। बताइए, कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। और उम्मीद है आप सभी लोग टाइम पर जुड़ते होंगे। अगर टाइम पर नहीं जुड़ते हैं तो टाइम पर आइए और अपने सभी भाई बहन सभी को हमारे क्लास से लाइव जोड़िए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं वाजू भाई वाला और गवर्नर है बी एस येदुरप्पा, ठीक है। लोकसभा की टोटल 28 सीटें हैं और राज्यसभा की टोटल 12 सीटें हैं। कर्नाटक के कुछ लोक नृत्य हैं जो बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है, जैसे कि यक्षगान, गुड़िया कुनीथा, दशावतार, सारे इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हम आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का पांचवा प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा?
बिहारी पुरस्कार के बारे में आपको बताना है। 2020 का बिहारी पुरस्कार किसको दिया जाएगा और ये कितने नंबर का पुरस्कार था ये भी आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मोहन कृष्ण बोहरा। मोहन कृष्ण बोहरा जी को ही बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और ये जो पुरस्कार था ये 30वां पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा जी को दिया जाएगा। अब इनकी पुस्तक तस्लीमा के लिए, याद रखिएगा तस्लीमा बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अब ये जो बिहारी पुरस्कार है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और अमेजिंग फैक्ट्स ये जान लीजिए। ये एक राजस्थानी लेखक पुरस्कार है, भैया नाम बिहारी लेकिन पुरस्कार राजस्थानी, क्या बात है। चलिए ठीक है, तो दोस्तों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। सन 1991 में पहली बार ये पुरस्कार को दिया गया था और ये राजस्थानी लेखक पुरस्कार है जिसके तहत 1,00,000 रुपये की राशि और एक प्रतीक चिन्ह भी साथ में दिया जाता है। उम्मीद है आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ना भैया, और वीडियो को जल्दी से एक लाइक जरूर दीजिएगा। अगला सवाल, आज का छठा प्रश्न। तो दोस्तों आज का छठा प्रश्न है, हर दिल की धड़क नामक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हर दिल की धड़क, तो बताइए हर दिल की धड़क रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम। तो हमको लगता है इसका सब लोग सही जवाब करेंगे। आर्टिकल 376 हटने के बाद, 370 आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगा। इसी के तहत जम्मू कश्मीर में भी हर दिल की धड़क नामक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा या किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अब जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोग पहले भी जानते हैं, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, 31 अक्टूबर 2019 को इसका पुनर्गठन हुआ था। चलिए ये सब तो ठीक है, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और राजकीय पशु जान लेते हैं जम्मू कश्मीर का। तो दोस्तों हांगुल जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है और राजकीय पक्षी ब्लैक नेक्ड क्रेन, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं आज के सातवें प्रश्न की ओर। आज का सातवां प्रश्न क्या कहता है, सातवां प्रश्न है, किस देश ने 6% से अधिक आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है। 6% से अधिक आर्थिक लक्ष्य का निर्धारण कौन से देश के द्वारा किया गया है। भारत, अमेरिका, रूस या चाइना। ऑब्वियसली चाइना यार, दूसरों को परेशान करके खुद डेवलपमेंट कर रहा है तो बिल्कुल गलत बात है। चाइना का ये रिपोर्ट भी कोई, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन इसका दोस्तों इसका सही जवाब चाइना होगा। और ये घोषणा किसके द्वारा किया गया, तो ली के कियांग ने शुक्रवार को घोषणा किया कि चीन 2021 में 6% से अधिक की वृद्धि लक्ष्य रखेगा, 6% की अधिक वृद्धि। अब प्रेसिडेंट तो जानते ही हैं चाइना के, सी जिनपिंग जी हैं, और कैपिटल चाइना की बीजिंग है और यहाँ की करेंसी रेनमिन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि बगलगीर है ससुरा चाइना। अगले बढ़ते हैं आज का आठवां प्रश्न को देखते हैं। आठवां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मिलेट्स घोषित किया है। मिलेट्स मतलब आप लोग जानते हैं बाजरा, तो आपको बताइए संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष बाजरा घोषित किया है। ऑप्शन है 22, 21, 23 या फिर 25। तो उम्मीद है इसका सब लोग सही जवाब करेंगे क्योंकि बाजरा सब लोग खाते होंगे। तो दोस्तों 2023 को यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है मिलेट्स का 2023 को। अब यूनाइटेड नेशंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी जनरल हैं आपके अंटोनियो गुटरेस, और यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है, जहां पर यूट्यूब का हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आज का नवा प्रश्न क्या है, नवा प्रश्न है, वीडियो अगर थोड़ा स्पीड में चल रहा है तो आप उसको स्लो करके भी देख लीजिएगा क्योंकि भाई आदत हो गया इतने स्पीड बोलने का। अगला सवाल है, किस देश ने भारत को पहली बार लाल चावल की खेप भेजी है। लाल चावल की खेप भारत ने किसको पहली बार भेजी है, अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका या फिर चाइना। तो यार चाइना तो उस लायक है नहीं जो कि लाल चावल भेजा जाए, तो दोस्तों अमेरिका को ही लाल चावल की पहली खेप भेजी गई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब ये लाल चावल असम में कहाँ होता है जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में लाल चावल को उगाया जाता है, वो भी भैया बिना किसी रासायनिक खाद के, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था। और पहली खेप अमेरिका को भेजी जा रही है लाल चावल की। अब असम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों असम का कैपिटल दिसपुर है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल है, गवर्नर जगदीश मुखी हैं, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं, ठीक है।
अब लोकनृत्य के बारे में जान लीजिए। तो यहाँ का बहुत ज्यादा फेमस लोकनृत्य है भागुरंबा, ओजापली, बिहू, भोर, सारे इंपॉर्टेंट लोकनृत्य है, आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। और यहाँ के नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, सारे महत्वपूर्ण नेशनल पार्क आपके सामने हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, आज का 10वां और अंतिम प्रश्न, कमेंट लास्ट में जरूर कीजिएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो एक मोटिवेशनल कोट जरूर लिखिएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया, फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 28 फरवरी 1909, 8 मार्च 1910, 8 मार्च 1909 या फिर 28 मार्च 1909। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले। तो याद रखिएगा 28 फरवरी 1909 को पहला महिला दिवस मनाया गया था, इंटरनेशनल वुमेन्स डे सबसे पहली बार 28 फरवरी को मनाया गया, उसके बाद से फिर इसको 8 मार्च को शिफ्ट कर दिया गया। तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास, कैसी लगी कमेंट करके, धड़ाधड़ कमेंट करके कमेंट बताइएगा आप लोगों को हमारी ये क्लास कैसी लगी। अगर क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्लास को शेयर करके हमें मोटिवेट करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिएगा, और ठीक सुबह के 6 बजे लाइव जुड़िएगा हमारे करंट अफेयर की क्लास से। अगली क्लास ठीक रात के 8 बजे होगी, जिसमें हम लोग जनरल नॉलेज जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर, सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगली क्लास ठीक रात के 8 बजे, तब तक के लिए।